अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ आदिल फ्रॉम सैम रियल एस्टेट। आज जिस सोसाइटी का हम आपको विजिट कराएंगे, ये ग्वालियर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। ये स्कीम 33 की मशहूर सोसाइटियों में इसका शुमार होता है। ये सोसाइटी भी अच्छी सोसाइटी है और इस सोसाइटी के दो गेट्स हैं, एक बड़ा और एक छोटा। दोनों गेट्स इस वक्त जो हैं वो ऑपरेशनल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने आपको बड़ा गेट भी दिखाया था, लेकिन हम जो इंटर छोटे गेट से इंटर होंगे, आप देख सकते हैं हम छोटे गेट से इंटर हो चुके हैं। और ये जो सोसाइटी से जैसे हम इंटर होते हैं, तो ये सोसाइटी का रोड है, यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ की सड़कों का काम हो चुका है। रेजिडेंशियल साइड पर तो हो चुका है, कमर्शियल साइड पर अभी तक शायद इनकी रोड्स नहीं डली। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। आपके सामने सख्त सफाई हो भी रही है। यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे से सोसाइटी को लेकर के चल रहे हैं। और सोसाइटी जो है ये बड़ी सोसाइटी है। यहाँ पर 120 गज, 240 गज और 400 गज और कमर्शियल प्लॉट्स भी मौजूद हैं। और कमर्शियल्स भी यहाँ पर तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो डेवलप हो चुका है, ये कमर्शियल बेल्ट जो है। देखें आप, इसकी एलिवेशंस भी बहुत मुनासिब हैं। और अगर हम यहाँ पर भी इसकी एमिनिटीज के बारे से बात करें, तो पार्क, बिजली, गैस, पानी, तमाम तरह चीज़ें मौजूद हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मस्जिद भी यहाँ पर है। और मस्जिद ये आपको दिख रही होगी, मस्जिद भी ऑपरेशनल, ये इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये तमाम तरह जो आपको घर दिख रहे हैं, ये पार्क फेसिंग घर हैं, क्योंकि इनके सामने जो है वो पार्क लग रहा है। होंगे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, क्योंकि ये भी बाउंड्री वॉल सोसाइटी है, गेटेड सोसाइटी है। गार्ड्स यहाँ पे डिप्लॉय किए हुए हैं, दोनों गेट्स के ऊपर मौजूद होते हैं। गार्ड्स भी यहाँ अलर्ट हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप यहाँ इस सोसाइटी को से रिलेटेड अगर कोई चीज़ सेल या परचेज करना चाहते हैं, तो भी हमारे दिए गए नंबर्स पे हमारी टीम से रابطہ कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ मुझे जाना है।